नमस्कार बच्चों, आज हम अपना व्याकरण में से सेकेंड लेसन जो हमारा चल रहा है ध्वनि वर्ण तथा वर्तनी सेवन्थ क्लास का, और इसका लेक्चर हमारा 2। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था बिंदु तथा चंद्र बिंदु लगाने के नियम, उसके बाद देखिए व्यंजन तथा उनके भेद। व्यंजन की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी। व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है, बाधा पैदा की जाती हैं। तो इसके मुख्य इन ध्वनियों व्यंजन ध्वनियों के भेद मुख्य रूप से 2 आधार पर किए जाते हैं, एक तो उच्चारण स्थान तथा उच्चारण प्रयत्न। तो उच्चारण स्थान के आधार पर भेद कौन कौन से हैं? ओष्ठ्य, दंत्य, वर्चस्य, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य आदि। और कौन कौन से उच्चारण स्थान के अनुसार वर्ण बोले जाते हैं? कंठ्य वर्ण होते हैं वो कवर्ग वाले वर्ण बोले जाते हैं, कंठ्य कंठ से जिसको कंठ्य कहा जाता है, कवर्ग क ख ग घ ङ। तालव्य इसमें स्वर्ग आता है और उसके बाद य और श आता है। मूर्धन्य मूर्धन्य में टवर्ग आता है और ड ढ और श आता है। दंत्य वर्ण में इसमें तवर्ग आता है। ओष्ठ्य में पवर्ग आता है जिसमें होठ आपस में मिलते हैं वर्ण बोलते हुए। फिर दंतोष्ठ्य जिसमें दांत और होठ का प्रयोग किया जाता है, वे वर्ण हैं व और फ। वर्चस्य में स ज र और ल वर्ण आते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भेद कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन कौन से? जिन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव यानी कौन से जीव और निचला होठ ऊपर उठकर उच्चारण स्थान को स्पर्श करके वायु के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 5 वर्गों को जैसे कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग, ये 25 व्यंजन जो हैं स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। फिर है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? जिन व्यंजनों के व्यंजन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण अवयव जीव तथा निचला होठ उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं करते बल्कि उनके निकट जाते हैं और इन दोनों के बीच में इतनी कम जगह रहती है कि वायु घर्षण करती हुई मुख से बाहर निकल जाती है, तो इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। हिंदी के संघर्षी व्यंजन हैं स, श, ज, फ, ख और ह। उसके बाद हैं थर्ड उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भेद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व व्यंजन आते हैं। इनके उच्चारण में अन्य व्यंजन ध्वनियों की तुलना में कम मात्रा में अवरोध होता है, यानी कम समय भी लगता है और मात्रा में अवरोध भी कम होता है। इनमें से भी य, व अर्ध स्वर कहलाते हैं। 4 वर्ण जो है ना, इनमें से 2 वर्ण य और व अर्ध स्वर कहलाएंगे। र के उच्चारण में जीभ मुख के बीच में पहुंचकर आगे पीछे झटके से गिरती है, अतः भाषा विज्ञान में इसे लुंठित कहते हैं। र को क्या कहा जाता है? लुंठित। य और व अर्ध स्वर। ल के उच्चारण में जीभ की नोक मुख के ऊपरी अगले भाग में स्पर्श कर एक या दोनों ओर पार्श्व बनाती हैं। तो इसको इसी आधार पर ल व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। नीचे चार्ट में देखिए अंतस्थ व्यंजन के 3 उदाहरण दे रखे हैं और उनके भेद भी उदाहरण दे रखे हैं। जैसे अर्ध स्वर का य और व लुंठित, र और पार्श्विक ल। अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार तथा विसर्ग ध्वनियों को अ का आधार लेकर अंग तथा अ के रूप में दिखाया जाता है। अनुस्वार में अनुस्वार से अंग और विसर्ग से अ ये शब्द बनते हैं, अतः संस्कृत आचार्यों ने इनको अयोगवा कहा है। ये दोनों ध्वनियाँ व्यंजन हैं तथा वर्णमाला में इन्हें स्वरों के समाप्त होने के बाद दिखाया जाता है।
व्यंजन होने के कारण इनका उच्चारण भी स्वर की मदद से ही किया जाता है। आइए अब इनको और थोड़ा सा विस्तार से देखें। अनुस्वार, अनुस्वार नासिक के व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं जो नाक से बोली जाती हैं। व्यंजन होने के कारण इनके उच्चारण में भी वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, परंतु अन्य व्यंजन ध्वनियों की तरह स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होता है। प्रवेश पर आश्रित होने के कारण यह आश्रित व्यंजन भी है और लिखित बिंदु है। चिन्ह इनका क्या है? बिंदु। शब्द के अंत में किस प्रकार लगता है? ये शब्द के अंत में आने पर अनुस्वार का उच्चारण हमेशा म के रूप में होता है, जैसे स्वयं, अहम आदि अनुस्वार के रूप में है और बाद में लगता है ये। फिर शब्द के बीच में, शब्द के बीच में कैसे इसका प्रयोग होता है? यदि शब्द में यदि अनुस्वार के पहले एक स्वर हो तथा बाद में एक व्यंजन, तब ऐसी स्थिति में इसका उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। नीचे ये दिखा रखे हैं उदाहरण इन्होंने अनुस्वार के ही। अंगद, एक तरफ अंगद कैसे लिख रहा है, दूसरा मानक रूप में अंगद कैसे हैं। यहाँ पहले वाले में बीच में आ गया है और अगले अक्षर में अ के ऊपर अनुस्वार आया है, तो ये मानक रूप में जो पीछे लिख रखे हैं जैसे कंचन, शांति, चंपा आदि है, ये आज के मानक रूप के हैं शब्द। तो यहाँ तक आपका लेसन आज पढ़ाया गया, यहाँ तक आपको अपने इंटरनल क्वेश्चन बनाने हैं और उनके आंसर भी बनाने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बचा हुआ लेसन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।